Welcome back, students, in the third session of Indian polity for HAS exam, Himachal administrative exam. So, majority of the votes were in favor of recorded lectures. So, I am continuing with the recorded lectures, and I hope you stand to benefit and you are enjoying the series, right? So, those who have still not joined the telegram group, they can join it from the link below and subscribe to the YouTube channel so that you can. Keep getting the information about new lectures that we keep uploading, not just for Himachal, but for other competitive exams as well as so many lectures on current affairs. So, we have already covered the historical background, we have covered the salient features. Now, we are starting with the uh, next topic that are the sources of the constitution. Today, we will finish sources, then, we will start with the preamble to the constitution of India. After that, we will be doing uh, territory.

सो so, यार एक ना एज अ अर टीचर आई विल गिव यू एन एडवाइस रटते नहीं होते हैं समझते होते हैं वेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स तो आप उनको प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हो कुछ भी उसमें ट्रिक हो अगर आप रटके जाते हो तो फिर तो आप भूल जाओगे राइट रटा नहीं मारा जाता होता रटते नहीं है याद करते हैं समझते हैं चीजों को सो तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको चीजें समझ आ जाएं जब समझ आ गई तो आप ठीक अटेम्प्ट कर ही लोगे तो रट्टाफिकेशन वाला जो आइडिया यार उसको छोड़ देते हैं रट्टे नहीं मारते होते डन सो इफ यू टॉक अबाउट द फीचर्स अब इसमें ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई भी तो इसको क्विकली फिनिश करते हैं जैसे कि हमारे पास जो इमरजेंसी प्रोविजन हैं आर्टिकल 352 है 356 है और 360 है देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं फेडरल स्कीम है गवर्नर का ऑफिस है जुडिशरी है पब्लिक सर्विस कमीशन है ये सब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए हैं राइट right? सीधा सीधा सा एक ही क्वेश्चन आता होता है इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग जिसमें वो करवा लेते हैं या फिर विच ऑफ दस टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वन टू वन टू थ्री इस तरह से देन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रूल ऑफ लॉ है रिट्स हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं सिंगल सिटीजनशिप है बाई कैमरल लेजिसलेचर है और जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है हमारे देश का जिस तरह से विधानसभाएं या पार्लियामेंट काम करता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर किस तरह से सेशंस होते हैं किस तरह से बिल पास होते हैं ये सारा कुछ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया राइट right? इसके बाद जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है रिमूवल फॉर एस सी एस सी जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है जुडिशियल रिव्यू है और वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है ये सब हमने यू से लिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये वाले फीचर्स लिए गए इसके बाद जो डी हैं राज्यसभा में नॉमिनेशन का जो मेथड है एंड प्रेसिडेंट की इलेक्शन का जो मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये सब हमने आयरलैंड से लिया है रेज्यूडरी पावर्स अब रेजरी पार्ट क्या होती है, जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें सेवंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है सेवेंथ शेड्यूल में हमारे पास थ्री लिस्ट हैं कौन कौन सी थ्री लिस्ट है यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाता है राइट right? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे विधानसभाएं लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं स्टेट्स की वो कानून बनाती हैं या लेजिस्लेचर जहां विधान परिषद हो वहां पे दोनों मिलके बना देते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट भी, भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है अब इन तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट स्पेसिफाई किए गए हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं 90 प्लस इसमें है 60 प्लस इसमें है 40 प्लस इसमें है राइट सो so, जो ये सब्जेक्ट्स हैं अब जो इन लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशनड ही नहीं है कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो मेंशनड ही नहीं है वो क्या होगा वो होगा रेसिडरी पावर राइट रेसिडरी पावर जो कहीं पर भी नहीं है जो पीछे बच गई वो है रेसिडरी पावर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ट्रूली फेडरल है अगर कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि यूएसए का वहां पर जो रेजुडरी पार्ट होती हैं वो स्टेट्स के पास होती हैं, राइट लेकिन हमारे देश में रेजुडरी पार्ट जो हैं, वो सेंटर के पास है सो so, अगर हम बात करें फेडरेशन विस्ट्रॉग सेंटर तो रेजिडरी पार्ट सेंटर के पास चली गई रेजिडरी पार्ट भी सेंटर देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो हम स्टेट्स के गवर्नर सेंटर से अपॉइंट कराते हैं एडवाइजरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिस आर्टिकल 143 में आती है जहां पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं क्या ये काम सही है या नहीं सही इस तरह की चीज़ें ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हैं

कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन था देन फंडामेंटल ड्यूटीज आइडियल ऑफ जस्टिस जैसे कि सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस जो है जो प्रियम्बल में है जिसको मैं अभी आगे जाके इलाबोरेट भी कर दूंगा ये हमने यूएसएसआर से लिया था देन द आइडिया ऑफ रिपब्लिक दैट द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड लिबर्टी इक्वालिटी फटर्निटी इन प्रियम्बल जो ये वर्ड्स हैं ये हमने फ्रांस से लिए हैं एंड जिस ढंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करते हैं अमेंडमेंट ऑफ़ 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 द द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन मेंबर्स राज्यसभा ये हमने सब साउथ अफ्रीका से लिया अब इसको ना रटना नहीं है याद करना है इसको समझना है और याद करना है सिंपल अब रट्टा क्या ही मार लोगे कितनी देर के लिए रट्टा मार लोगे समझो याद कर लो पांच छह बार पढ़ने के बाद चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और फिर वो परमानेंट याद रहती है फिर नहीं आप उनको भूलते हो सो so, एक क्वेश्चन इसमें से आने के काफी ब्राइट चांसेस हैं अब हम बात करते हैं प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलो आज आपको ना एक बड़ी सिंपल सी पहले स्टोरी में एक चीज याद करवाता हूँ समझाता हूँ याद कराता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं सो so, हुआ क्या कि नाइन्थ दिसंबर नाइनटीन का दिन था राइट right? इससे पहले क्या हुआ था 1946 में कैबिनेट मिशन आया था इंग्लैंड से तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे जिसकी डिटेल सारी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कर देंगे जब कैबिनेट मिशन आया ना तब तक ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड बना लिया था कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर करनी है यू you नो know, वो मूड क्यों बन चुका था कैबिनेट मिशन आने पर कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर करनी है क्योंकि ने कर दिया था। आप जिन लोगों ने हम मॉडर्न इंडिया में कर देंगे कि भारत में जो नेवी है जो फौज है इवन वो भी बगावत करने पर उतर आई थी फोर्टी सिक्स में वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को अब ये डर था कि इंडिया में अगर कोई बड़ा इवेंट हो गया कोई बड़ा विद्रोह हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी कि अगर आर्मी ने भी हमारा उस टाइम पे साथ ना दिया traitor, in so so ने बोला ना अपनी बनाओ अपना संविधान लिखना शुरू कर दो एक अंतरिम सरकार बनाओ इन गवर्नमेंट और अपनी सरकार चलाना शुरू करो हमने अब जल्दी चले जाना है सो so जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हमने रख दी राइट right? अब मैं ना जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो यहाँ ना करा के ना हिस्ट्री में कराऊंगा ठीक है कि कब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था ब्रिटिश ने कैबिनेट अगस्त ऑफर में क्या बोला था वो सब वहीं पे करवा दूंगा यहाँ करने की बजाय दो दो बार क्यों करना ठीक है सो so, नाइन दिसंबर को पहली मीटिंग हुई और थर्टीन दिसंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कि क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसके लिए ये संविधान लिखना है क्या अचीव क्या करना है इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमने तो ऐसा हुआ कि उस दिन हमने एक चीज़ सोची कि यार देखो ऐसा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमने लिखा कि हमें ना इंडिपेंडेंस चाहिए एक इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश होना चाहिए ठीक है इंडिपेंडेंट मीन्स कि एक सॉवरन देश होना चाहिए फिर हमने लिखा ये ना हाइपोथेटिकल से तरीके से समझा रहा हूँ ऐसा हुआ नहीं उस दिन एग्जैक्टली exactly, थोड़ा समझाने के लिए कहानी बना रहा हूँ so, है, है। फिर हमने बोला यहाँ पे ना लोगों को पूरी लिबर्टी मिलनी चाहिए अंग्रेजों ने तो बहुत तंग करके रखा था हमें लिबर्टी डिनाई की गई है फिर यहाँ पे अब ना लोगों के पास इक्वलिटी भी होनी चाहिए राइट जब हमारे लोगों पास इक्वेलिटी होगी तभी तो जो फ्रीडम है वो मीनिंगफुल होगी ना सब बराबर हो जाए फिर इन लोगों के पास इक्वालिटी, लिबर्टी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन राइट ये भी होना चाहिए फिर हमारे साथ ना ब्रिटिश ने बहुत इनजस्टिस किया था तो अब जस्टिस होना चाहिए लेकिन वो सोशल जस्टिस भी हो कि समाज में जात के नाम पर धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर जेंडर के नाम पर कि मेल फीमेल है हाई कास्ट लो कास्ट है इन बेसिस पे कोई अब डिस्क्रिमिनेशन ना हो सबको एक समान भारत की नागरिकता मिले सब इक्वल हो जाए राइट सो जस्टिस सोशल हो इकोनॉमिक भी होना चाहिए कि इंडिया में सब लोगों की बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिल जाए ना ऐसा ना हो कि अब आज़ाद देश में भी बहुत गरीबी हो बहुत पॉवर्टी हो और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए राइट right, कि सब लोगों को राइट टू वोट हो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हो राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस हो सरकारी नौकरी कर सकें तो इस तरह से ना बहुत सारी बातें लिखी गई आज हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमें चाहिए क्या हमें एक सॉवरिन देश चाहिए लोगों के लिए लिबर्टी हो इक्वालिटी हो जो लोगों साथ मिसट्रीटमेंट किया ब्रिटिश ने अब डिग्निटी के साथ इंडियंस रह सकें राइट अब भारत में यूनिटी होनी चाहिए भारत एक साथ मिल के एक अच्छा ताकतवर देश बने जिसकी तरक्की के लिए हम सब मिल के काम करें इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमने फिक्स कर दिए फिर हमने संविधान लिखना शुरू किया जिसके लिए हम बोलते हैं ना दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन हमने लगा दिए और दो ग्यारह अठारह दिन याद रखना बस वैसे तो दो ग्यारह मेरा बर्थडे है दो नवंबर ठीक है तो मैं तो ऐसे भी याद रख सकता था कि दो ग्यारह अठारह सो so, दो, सा, दो साल दो साल ग्यारह महीने 18 दिन लगे और हमारा संविधान तैयार हो गया अब जब हम बिल्कुल एंड पे आ गए ना तो बचपन में हम करते होते थे ना कि यार चेक कर लो कि आंसर ठीक भी है कि नहीं ठीक है मैथ के पेपर में भी करते थे तो हमने बोला यार एक बार चेक कर ले कि जो हमने सोचा था वो सब हमने अचीव कर लिया तो ऐसा देखो यार हम ना इंडिपेंडेंट सॉवरेन देश बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं तो हमने देखा यार हमने ना अपने देश में सारा कुछ अब अपनी मर्जी से लिख लिया है सारा संविधान हमने लिख लिया और हमने अपने आप को सारी पावर्स दे ली हैं कि आज से हम अपने डिसीजन खुद लेंगे तो यस वी आर नाउ सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री फिर हमने कहा यार ये भी चेक कर लो कि हमारे देश में ना अब कोई मुनारकी जैसी चीज़ तो नहीं है राजा रूजा तो नहीं है कोई किसी के पास ज्यादा पावर तो नहीं है तो हमने देखा कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेजिडेंट है और वो इलेक्टेड है तो ये भी रिपब्लिक भी आ गया सॉवरन रिपब्लिक लोगों को राइट टू वोट हमने दे ही दिया तो डेमोक्रेटिक भी हो गया सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो बनी गई हमारी फिर हमने देखा यार हमने ना आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात कर दिया कि ऑल सिटीजन आर इक्वल आर्टिकल 15, 16 सब में इक्वलिटी आ गई है 19 में हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमने जस्टिस की बात कर दी है सब लोगों को इक्वल डिग्निटी की बात कर दी है और एक स्ट्रॉन्ग यूनियन भी बना दिया है तो हमने ये सारा कुछ कर दिया तो हमने यही वर्ड्स इधर भी लिख दिए जब दोबारा ये वर्ड्स लिखे गए ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करने की बात आई तो आज जो वर्ड्स लिखे गए वो बन गए हमारा प्रेम्बल राइट प्रैएम्बल है क्या इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के बाद उसको अच्छे से देखकर कि जो जो हमारे एम्स थे ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो हमने अचीव किए हमने एक डॉक्यूमेंट सा बनाया वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स निकल आया अब उसको हमने इंट्रोडक्शन की तरह आगे लगा दिया अब क्योंकि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स है तो कई लोग क्या बोल देते हैं कि वो पोलिटिकल हॉरोस्कोप है कई लोग क्या बोल देते हैं कि वो माइंड की टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के क्या सोच रहे थे क्या उनका विचार था क्या उनका लक्ष्य था वो हमें सब कहाँ से समझ आता है वो हमें समझ आता है प्रैम्बल से इसीलिए जुडिशरी भी कई बार क्या बोलती है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है जहां पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा साइलेंट मींस आपको समझ नहीं आ रहा कोई वे कॉन्सेप्ट आ गया वहां पे आप उसको ना इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल देखो तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या चाहते थे सो so ये है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल राइट अब अगर हम प्रैम्बल की बात करें तो प्रैम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आइडेंटिटी कार्ड आईडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये एन ए पालकी वाला साहब बड़े पॉपुलर लॉयर हुए हैं इन्होंने बोला आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फिर इसको होरोस्कोप ऑफ आर सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के एम मुंशी साहब ने बोला मुंशी जी ने इसको होरोस्कोप बोल दिया और पालकी वाला साहब ने इसको आइडेंटिटी कार्ड बोल दिया ये आप याद रखना देन Is based on the 1946 को थे 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मूव हुआ था प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इसकोट किया गया basis पे. की जो वर्किंग थी ना वो कॉन्सेंस बेसिस थी एग्रीमेंट होता था हर चीज के ऊपर कॉन्सेंसस के साथ डिस्कशन होता था वहां पे कुछ भी आर्बिटेली या अथोरिटेटि नहीं किया गया कि धक्के से कुछ भी कर दिया थोप दिया डेमोक्रेटिक वे में डिस्कशन करके कॉन्सेंस बिल्ड करके तो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है राइट प्रम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर प्रेम्बल से ना तो उनको कोई पावर मिलती है ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है ना ही ये उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है क्योंकि प्रैंबल को भी हम अमेंड कर सकते हैं राइट

जब फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट पास किया था हमारे पार्लियामेंट ने और बोलते हैं तीन शब्द ऐड हुए थे थ्री न्यू वर्ड्स एक था सोशलिस्ट एक था सेकुलर और एक थी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी अब कुछ लोग बोलते हैं भाई एंड भी तो वर्ड ऐड हुआ ना तो एंड प्रोपोजिशन है वर्ड तीन ही ऐड हुए हैं सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटेग्रिटी राइट तो ये तीन वर्ड्स हमने ऐड किए थे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट के बाद जब हम बात करते हैं वर्ड इन प्रल की तो कुछ वा, कुछ बहुत से की तो क्या है जो हमने सेलियंट फीचर में डिस्कस कर दिए हैं सो so, एक बार उनको फिर से देख लेते हैं कि सेलियंट फीचर की तरह ये की क्या है सबसे पहला वर्ड है सोवरन अब सॉवरन क्या है इंडिया इज ना अ डिपेंडेंसी हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कोई हमारे को डिक्टेट नहीं कर रहा अब टर्म्स जैसे पहले हम ब्रिटेन से डिक्टेटेड थे बिफोर इंडिपेंडेंस अब हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री हैं इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन जो सॉवरनिटी होती है ना ये दो तरह की है एक होती है इंटरनल सॉवरेनिटी और दूसरी होती है एक्सटर्नल सॉवरनिटी आंतरिक और बाहरी राइट इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनली इसके लिए एक बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है सिंपल सा वो आप अपने पास नोट कर लो अगर मैं बोलूँ ना इंटरनल सोवरेनिटी क्या है तो इंटरनल सोवरेनिटी के लिए आप बोल सकते हो देयर इज नो इक्वल विद इन पहले आप लिख लो फिर मैं समझाता हूं देयर इज नो इक्वल विद इन और एक्सटर्नल सॉवरनिटी के लिए आप लिखो नो इक्वल सॉवरन नो इक्वल सॉवरन फ्रॉम आउटसाइड कैन इंटरफेयर इंटरफेयर इन इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स राइट पहले आप ये दो डेफिनेशन लिख लो सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी में अगर हम बात करें इंटरनल सॉवरनिटी तो हम लिखते हैं देयर इज नो इक्वल विद इन देयर इज नो इक्वल विद इन और अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी की तो हम बोलते हैं नो इक्वल सोवरेन फ्रॉम आउटसाइड कैन इंटरफेयर इन इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स अब इस चीज का मतलब क्या है देखो इंडिया में ना जो सोवरेनिटी है जो सोवरेनिटी है वो है किसके पास अब ये भी ना एक बहुत बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है पहले इसको भी समझ लेते हैं फिर इसका दोबारा समझेंगे मतलब इंटरनल एक्सटर्नल वाली लाइन का तो ना एक होती है हमारे पास लीगल सॉवरेनिटी एक होती है पॉलिटिकल सोवरेनिटी लीगल सोवरेनिटी पॉलिटिकल और तीसरी होती है पॉपुलर सॉवरेनिटी लीगल पॉलिटिकल पॉपुलर तीन तरह की सॉवरेनिटी होती है अगर मैं बोलूं लीगल सोवरेनिटी लीगल सोवरेनिटी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है सारे कानून इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही बनते हैं लेकिन बनाता कौन है पॉलिटिकल सॉवरन यानी कि पार्लियामेंट राइट पार्लियामेंट में पावर किसके पास है पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर पास राइट सोवरेनिटी इस प्राइम मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को चुनता कौन है पीपल ऑफ इंडिया पीपल ऑफ इंडिया सो लीगल सॉवरन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कानून बनाता कौन है पार्लियामेंट लेकिन पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है प्राइम मिनिस्टर तो वो पॉलिटिकल सॉवरन है और इस प्राइम मिनिस्टर को या पार्लियामेंट को चुनता कौन है वी द पीपल ऑफ इंडिया तो हम पॉपुलर सॉवरन है तो सोवरेनिटी भी तीन तरह की होती है लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है ऑब्वियसली पोलिटिकल बिकॉज एक बार लोगों ने चुन दिया अब संविधान को चलाने का काम कौन कर रहा है पोलिटिकल सॉवरन पार्लियामेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राइट सो so अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो सॉवरिटी है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चली गई ना एक एक सिंगल पर्सन में आ गई वैसे लीगली ये नहीं है कि एक सिंगल पर्सन में सॉवरनिटी आ गई हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है बट बिकॉज हमारा सिस्टम इवॉल्व कुछ इस तरह से कर गया कि ये काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम बन गया तो प्राइम मिनिस्टर एक बहुत पावरफुल ऑफिस हो गया इर ऑफ द इंडिविजुअल

तो सबको करना ही पड़ेगा ऐसा थोड़ा होगा कि पंजाब बोल दे हमने नहीं करना बिहार बोल दे हमें नहीं करना या महाराष्ट्र बोल दे हमें नहीं करना अगर प्राइम मिनिस्टर ने आके बोल दिया कि आपको अब आप भारत पूरे भारतवर्ष में पूरे देश में आपको 20 दिन का 25 दिन का लॉकडाउन करना है तो भाई करना ही पड़ेगा ये उनकी पावर है अगर कोई मना करेगा ना तो वो क्या होगा ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की आपने सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया तो आपकी सरकार ही बर्खास्त हो जाएगी सस्पेंड कर देंगे आपके लेजिस्लेचर को और 356 में वहाँ पे इमरजेंसी लगा देंगे प्रेसिडेंट या गवर्नर का रूल हो गया जो बात समझ आ गई ना तो इंटरनली कोई भी इतना पावरफुल है ही नहीं ना कि वो प्राइम मिनिस्टर की बात को चैलेंज करे अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया तो बोल दिया अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे अब अब, अब अनलॉक करना है तो करना ही पड़ेगा ठीक है तो एक होगी इंटरनल सॉवरनिटी Fine. दूसरी एक्सटर्नल सोवरेनिटी, अब हर देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपने देश में तो इक्वली सोवरेन है ना जो इंडिया में हमारे मोदी जी का स्टेटस है वो अमेरिका में अब जो बाइडेन साहब का भी स्टेटस है रशिया में वही पुतिन साहब का है चा, चाइना में वही शी जिंगपिंग साहब का है तो हर देश का जो भी प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर है जो भी हेड है वहां पे उन सबकी एक ही स्टेटस हो गई ना कि अपने अपने देश के वो सॉवरन है फाइन अब इंटरनली तो आपके बराबर कोई नहीं था लेकिन एक्सटर्नली आपके बराबर बहुत हैं लेकिन वो बराबर जो लोग हैं आपके इक्वल जो हैं वो भी आपके इंटरनल अफेयर में बिना आपकी मर्जी के इंटरफेयर थोड़ा कर सकते हैं वो आपको कन्विंस कर सकते हैं वो आपको इम्प्रेस कर सकते हैं लेकिन वो आपको यूजली कंपेल नहीं कर सकते जैसे कि अगर इंडिया की मर्जी है कि भाई हमने ईरान से ही पेट्रोल लेना है ऑयल हमने ईरान से लेना है तो अमेरिका चाहे सेंक्शंस लगाता रहे इंडिया की अपनी मर्जी है अब ये डिपेंड करता है तुम्हारी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर तुम्हारे अपने स्टेटस के ऊपर और तुम्हारे रिसोर्सफुलनेस के ऊपर कि अगर इंडिया को पता है भाई बिना अमेरिका की मदद लिए हम सर्वाइव कर सकते हैं तो हम एक सॉवरन डिसीजन लेंगे भाई हमें तो ईरान से ऑयल लेना है हमारे को वहीं से फायदा है अगर हमें समझ आ गई भाई कि ईरान की और बड़ी चीजों में हेल्प कर सकता है तो आज ये हमारा सॉवरन डिसीजन होगा कि ठीक है भाई हम आज से ईरान से ऑयल नहीं लेंगे हम अमेरिका से डील कर लेते हैं सो so, अल्टीमेटली तुमने अपना नेशनल इंटरेस्ट आगे रखकर अपना डिसीजन लिया तुम्हें किसी ने कंपेल नहीं किया तुमने सोचा तुमने समझा तो तुमने ये फाइनल डिसीजन ले लिया ये होती है इंटरनल एक्सटर्नल सोवरेनिटी। एंड आई होप दिस मच ऑफ एक्सप्लेनेशन हैज गिवन एवरी वन अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आज कमेंट में बता देना कि सर आपने सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट सही ढंग से बता दिया अब डाउट खत्म है डन सो इंडिया इज इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इड अफेयर्स बीट इंटरनल और एक्सटर्नल ये तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया एंड इंडिया कैन एक्वायर और सीड टेरिटरी इंडिया किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है अपनी मर्जी से और किसी भी टेरिटरी को सीड मीन्स छोड़ सकता है जैसे हमने बांग्लादेश के साथ कुछ एनक्लेव्स एक्सचेंज किए कुछ अपनी टेरेटरी बांग्लादेश को दे दी या हम कुछ टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं जैसे कि हमने गोवा एक्वायर किया था फाइन सो so, एक सॉवरन देश की तरह इंडिया टेरिटरी एक्वायर भी कर सकता है और सीड भी कर सकता है मीन उसको छोड़ भी सकता है तो पहला वर्ड था सॉवरन दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट सोशलिज्म वैसे तो हम इसको काल मार्क्स की फिलॉसफी के साथ जोड़ सकते हैं और काल मार्क्स की फिलॉसफी में तो सोशलिज्म का मतलब होता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट मींस वर्किंग क्लास जो है लेबर क्लास उसके हाथ में डिक्टेटोरियल पावर तानाशाह वाली पावर एक वर्किंग क्लास को दे दी जाए ताकि वो सिस्टम में से इक्वालिटी इनइक्वालिटी खत्म करे मार्क्स क्या बोलते हैं मार्क्स का आइडिया क्या है सोशलिज्म को लेके मार्क्स बोलते हैं कि एक समाज जो कैपिटलिस्ट है पूंजीवादी वर्ग जहां पर प्रभाव रखता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी से हमें अल्टीमेटली कॉम्युनिस्ट सोसाइटी में जाना है फ्रॉम कैपिटलिस्ट टू कॉम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है यहां पर क्लास डिविजन है क्लास डिविजन मतलब यहाँ पर रिच एंड पुअर है क्योंकि मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिच एंड पुअर है इसलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है रिच पुअर को एक्सप्लॉयट करते हैं राइट रिच थोड़े लोग हैं बहुत कम लोग हैं और पुअर तो मिलियंस में होते हैं ना मल्टीट्यूड ऑफ पीपल आर लिविंग इन अब्जेक्ट पॉवर्टी बहुत गरीबी में जीते हैं करोड़ों लोग और कुछ लोग होते हैं जो अमीर हो जाते हैं राइट right? तो वो जो कुछ अमीर लोग होते हैं इस क्लास डिवाइडेड सोसाइटी में वो बहुत सारे गरीब लोगों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं अब इस एक्सप्लॉयटेशन के चलते हुए सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है रिच क्लास को ये डर रहता है कि जो पुअर लोग हैं उनका तो नंबर बहुत ज्यादा है इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूमेरिकली तो वो स्ट्रॉन्ग है वो हमें किसी भी टाइम पे तंग कर सकते हैं हमें डिस्प्लेस कर सकते हैं तो रिच क्लास क्या करती है वो स्टेट इन्वेंट कर लेती है स्टेट जो है पुलिस है जेल है रूल्स हैं रेगुलेशंस है इवन तो मार्क्स कहते हैं जो ट्रेडिशंस हैं कस्टम्स हैं रिलीजन है ये सब भी रिच क्लास की जो रिसोर्सफुल क्लास है उसी की सारी की सारी ये इनोवेशंस हैं रिच क्लास अपने आप को बचाने के लिए कानून भी बनवा लेती है धर्म भी बना देती है रीति रिवाज भी बना देती है ताकि जो गरीब लोग हैं वो उनके खिलाफ किसी तरह से कोई आंदोलन ना करें कोई उनके खिलाफ विद्रोह ना कर दें राइट इसलिए जो रिच क्लास है वो ये सब करती है तो मार्क्स बोलते हैं कि क्लास जो डिविजन्स है ये जड़ है समाज में बुराई की या कला कलेश की या एक्सप्लॉयटेशन की और इसी के कारण स्टेट की एग्जिस्टेंस है क्योंकि स्टेट की एग्जिस्टेंस का कारण ही बुरा है तो स्टेट एक ईविल एजेंसी है वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है हमें अल्टीमेटली स्टेट लेस सिस्टम में जाना है जहाँ पे स्टेट होना लेकिन स्टेट ना हो इससे पहले हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए होगी ताकि दो भागों में समाज बटा ना हो अमीरी गरीबी में और फिर वहाँ पे कोई तनाव ना हो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जब लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा तो हमें स्टेट चाहिए नहीं होगी सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होगा क्लास डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेट होगी फिर मार्क्स कहते हैं कि सीधा कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट बनना तो बहुत मुश्किल है बीच में एक ट्रांजिशन होगा वो ट्रांजिशन होगा सोशलिज्म सोशलिज्म में क्या होगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट अब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्या होता है जो गरीब वर्ग है जो काम करने वाली क्लास है लेबर क्लास वो अपने आप को सरकार में तब्दील करें कैसे थ्रू अ रेवोल्यूशन एक बड़ा विद्रोह एक बड़ी क्रांति हो जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन हो गया था 1917 में जब ये वर्किंग क्लास रिवोल्ट करेगी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो इन्हीं के पास है 95 परसेंट ऑफ द सोसाइटी इज वर्किंग क्लास हार्डली वन टू फोर फाइव परसेंट ऑफ द सोसाइटी इज द बिजनेस क्लास और द रिच क्लास तो इतना बड़ा जब विद्रोह होगा तो समाज अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा अब पे डिक्टेटरशिप क्यों लेके आनी है वाई डिक्टेटरशिप एंड नॉट डेमोक्रेसी तो मार्क्स कहते हैं अगर आप एकदम से रेवोल्यूशन करके डेमोक्रेटिक सिस्टम में जाने की कोशिश करोगे ना तो जो अमीर वर्ग है पूंजीवादी वर्ग जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अपने पैसे के दम पे फिर से इलेक्शन जीत जाएगी क्योंकि वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो रूल तो उन्हीं के पास रहेगा वो सिस्टम फिर अपनी मर्जी का बना देंगे फिर से स्टेट एग्जिस्ट करती रहेगी फिर गरीब क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहेगा तो आपने डेमोक्रेसी नहीं बनानी डिक्टेटरशिप बनानी है तानाशाही सरकार बनानी है और वर्कर्स अपनी सनाशाही वाली सरकार के टाइम पर अमीरी गरीबी के भेदभाव को खत्म करने के एफर्ट्स करेंगे द एफर्ट्स विल बी टू मिटिगेट द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासेस और टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर जब आपने गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को खत्म कर दिया आपने समाज में इक्वालिटी ला दी तो आपने क्या किया आपने आज एक क्लासलेस सोसाइटी को क्रिएट कर दिया जब ये क्लासलेस हो गई तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो गए जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुए तो अब आप इसको स्टेटलेस सोसाइटी भी बना सकते हो जैसे ही आप इस स्टेज में आए कि अब ये क्लासलेस स्टेटलेस है तो मार्क्स बोलता है कि आप कॉम्युनिस्ट हो गए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये कॉम्युनिस्ट कैसे हुए क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट है लेकिन वहां पे स्टेट है सोवियत यूनियन अर्स्ट वाइल यू जो अब रशिया है वो भी अपने आप को कम्युनिस्ट कहते थे वहाँ भी स्टेट है और नॉर्थ कोरिया तो भाई साहब सबसे खतरनाक स्टेट है और वो खुद को कॉम्युनिस्ट कहते हैं तो ऐसा है ये मार्क्स की थ्योरी थी और जो हम देखते हैं कोरिया में नॉर्थ कोरिया में या चाइना में या अर्स्ट सोवियत यूनियन यूएसएसआर में वो प्रैक्टिकल था सो so, अनफॉर्चुनेटली जो मार्क्स की थ्योरी है उसको जिन लोगों ने फॉलो करने की कोशिश की वो फेल हुए हैं काल मार्क्स की आइडियोलॉजी फेल नहीं हुई ठीक है सो so, ये सोशलिज्म की हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट में तो सोशलिज्म का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट वाली बात हो गई जहां पे स्टेट इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी क्योंकि वहां पे वर्किंग क्लास की सरकार है तो इकॉनमी को कौन कंट्रोल करेगा स्टेट तो हम पता है क्या बोल सकते हैं चाइना हो या रशिया हो वहां पे काइंड ऑफ सोशलिज्म आया कॉम्युनिज्म तो आया ही नहीं और ट्रूली कॉम्युनिज सोशलिज्म भी नहीं आया क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि वर्कर्स की सरकार बन गई अमीरी गरीबी ख़त्म हो गई ऐसा हुआ ही नहीं लेकिन काइंड ऑफ सोशलिज्म आ गई आप ये बोल सकते हो राइट right? सो so, जो वेस्ट की सोशलिज्म है वो तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन सोशलिज्म तो तो वो तो जब इंदिरा गांधी जी ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया ना उसी टाइम पे बोल दिया गया कि भाई इंडियन सोशलिज्म इज नॉट द वेस्टर्न आइडिया ऑफ सोशलिज्म हमारी सोशलिज्म जो है वो ना काइंड ऑफ मिक्सड इकोनमी है कि हम कैपिटलिस्ट सिस्टम को भी फॉलो कर लेंगे और हम सोशलिस्ट सिस्टम को भी फॉलो कर लेंगे ये है हमारी सोशलिज्म इंडियन सोशलिज्म इज डिफरेंट ऐसे ना ब्रिटेन में एक क्रीड थी सोशलिज्म की एक वैरायटी ऑफ सोशलिज्म थी फेबियन सोशलिज्म और जो हमारे पंडित नेहरू हैं वो इससे काफी इंस्पायर्ड भी थे फेबियन सोशलिज्म ये बोलती है कि आपको ना वर्किंग क्लास का कोई बड़ा रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है कि एकदम से क्रांति आ जाए समाज में ऐसा नहीं है आप क्या करो डेमोक्रेटिक वे में डेमोक्रेटिक वे में थ्रू एजुकेशनल रिफॉर्म्स समाज में सोशलिज्म लेके आ सकते हो वर्किंग क्लास को पढ़ा दो एजुकेशनल रिफॉर्म्स करो वर्किंग क्लास पढ़ लिख जाए उन लोगों को अपने राइट्स की नॉलेज हो डेमोक्रेटिकली वो इलेक्शन लड़े हो पार्लियामेंट में आगे अपनी सीट ले लें और अपने कल्याण के लिए अपने राइट्स के लिए अपने आप पार्लियामेंट के थ्रू रिफॉर्म्स कर दे तो सोशलिज्म आ गई सो so, इंडिया में अगर हम बोल रहे ना कि कौन सी वराइटी ऑफ सोशलिज्म है तो वो है कौन सी वैरायटी है फेबियन सोशलिज्म जो ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है राइट सो इंडिया में सोशलिज्म है अब ये कैसी सोशलिज्म है इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी है एंड नॉट अ कॉम्युनिस्ट सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म हमारे यहाँ पे स्टेट सोशलिज्म नहीं है 1991 में जब हमने रिफॉर्म्स किए जब मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन थी उस टाइम पे हमने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन किया लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एलपीजी या एलजीपी जिसको हम बोल देते हैं राइट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स कर दिए थे जब हमने नाइनटीन में एल रिफॉर्म्स किए थे इट डिल्यूटेड सोशलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ द स्टेट क्योंकि हमने तब प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा काम दे दिया और स्टेट का जो रोल था उसको थोड़ा सा डिमिनिश कर दिया कम कर दिया तो अदरवाइज हम सोशलिस्ट हैं लेकिन वो मिक्स्ड इकोनॉमी है और 1991 के रिफॉर्म्स ने जो सोशलिस्टिक कैरेक्टर था उसको डाइल्यूट कर दिया था क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल दे दिया इंसटेड ऑफ द स्टेट अब बात करते हैं रिपब्लिक की मैं बीच में ना एक स्लाइड मेरे को लगता है मिस कर गया हूँ बट डोंट वरी आई विल कंप्लीट द इंटायर टॉपिक डोंट वरी रिपब्लिक अब रिपब्लिक का मतलब क्या है रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारे स्टेट के हेड हैं हेड ऑफ द स्टेट वो इलेक्टेड हैं हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है वो है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड है अब ना यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं क्विकली इलेक्शंस दो तरह के हैं डायरेक्ट इलेक्शंस हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं डायरेक्ट इलेक्शंस पीपल डायरेक्टली इलेक्टिंग पीपल डायरेक्टली इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि हम लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं राइट और फिर इसी लोकसभा में से रूलिंग पार्टी आती है और इसी रूलिंग पार्टी का जो हेड है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है सो इन वन वे वी कैन से दैट एटलीस्ट हमने प्राइम मिनिस्टर को तो डायरेक्टली इलेक्ट किया है लोगों ने जिस पार्टी को बहुमत दिया था उस पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर हो गया राइट right? इसी तरह हम स्टेट की असेंबलीज को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं यानी कि विधानसभाओं को विधान को हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इसी तरह हम लोकल बॉडीज को भी डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं जैसे कि विलेज पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज विलेज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ सो लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड विधान आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड लोकल बॉडीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड जहाँ पे हम खुद जाके वोट डालते हैं और अपने रिप्रजेंटेटिव चुन देते हैं राइट दिस इज डायरेक्ट इलेक्शन एंड वेयर

मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनते हैं तो इनडायरेक्ट हो गया इसी तरह राज्यसभा है। राज्यसभा को भी हम नहीं चुनते राज्यसभा को चुनती हैं स्टेट असम्बलीज तो हमने एम एल ए चुने थे एम राज्यसभा के मेंबर्स को चुन देते हैं इसी तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन में अगर किसी स्टेट में विधान परिषद है विधान परिषद इज वट इज विधान परिषद इट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल तो जहां पे एम चुने जाते हैं वहां विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में एम और लेजिस्लेटिव काउंसिल में एम तो जो विधान परिषद है उनको भी इनडायरेक्टली चुना जाता है तो लोकसभा विधानसभा एंड लोकल बॉडीज के डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट राज्यसभा और विधान परिषद के इनडायरेक्ट इलेक्शंस राइट सो so, ये है सिस्टम ऑफ इलेक्शंस अब हमारे प्रेजिडेंट चाहे हैं तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इलेक्टेड है। ही इज़ नॉट अ मोनार्क कि जैसे इंग्लैंड में है महारानी है गद्दी पे उससे पहले महाराजा थे फ्यूचर में फिर से हैरी प्रिंस जो है वो आ सकता है या कोई भी एक अगला राजा बन सकता है उसी फैमिली में से तो जो रिपब्लिक है वो हेरिडिटरी मोनार्कीज नहीं होती रिपब्लिक इंडिकेट्स दैट हेड ऑफ़ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड दिस इज आवर प्रेसिडेंट पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइज विद पीपल एंड नॉट विद अ सिंगल पर्सन किसी एक आदमी के पास सारी सोवरेनिटी नहीं है वो लोगों के पास है जो मैंने बताया था ना पॉपुलर सोवरेनिटी है ये वो कॉन्सेप्ट है एंड पब्लिक ऑफिस आर ओपन टू ऑल कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है कि ये सिर्फ यही लोग हैं जो राज कर सकते हैं भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी नागरिक राइट right? फिर हमारे पास जस्टिस है जो हमारे पास जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है जस्टिस का कॉन्सेप्ट वो क्या है द टर्म जस्टिस इन द प्रसिस थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स थ्री डिस्टिंक्ट फॉर्म्स क्या है हमारे पास सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है और ये कैसे मिलता है ये हमें थ्रू फंडामेंटल राइट्स भी मिलता है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी मिलता है जो पॉलिटिकल जस्टिस है पॉलिटिकल वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आता है और जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है वो डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हमें मिलता है सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्स कि आप सोसाइटी में जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं डिफरेंट क्लासेस कास्ट हैं डिफरेंट जेंडर्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इकोनॉमिकली जो डिफरेंट क्लासेज है रिच एंड पुअर है आप रिच के ऊपर टैक्स लगाते हो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है रिच पैसा कमा रहा है ज्यादा ज्यादा आप आप उससे टैक्स लेते हो 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 और पुअर पुअर के लिए वेलफेयर कर देते हो, ताकि की बेसिक नीड्स पूरी जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो आप रिच को टैक्स लगा के पुअर के लिए वेलफेयर कर देना दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस राइट सोशल जस्टिस क्या है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कोई कास्ट बेसिस नहीं है कोई जेंडर बेसिस नहीं है कोई क्रीड बेसिस नहीं है कोई रिलीजन बेसिस नहीं है लैंग्वेज बेस नहीं है सबको इक्वल ट्रीट करना दैट इज सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स कि रिच पुअर में हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस डजेंट मीन कि आप सबको इक्वल कर दोगे कि सबकी सैलरीज बराबर हो सबको एक जैसे घर मिल जाए नो दैट इज नॉट इकोनॉमिक जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस इज कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे एंड पॉलिटिकल जस्टिस क्या है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल सबको राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है है सब टू 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 राइट राइट वोट एंड सबके पास होल्ड पब्लिक ऑफिस भी है ये है हमारा जस्टिस जो हमारे पर्याबल में दिया हुआ है फिर आती है बात लिबर्टी की लिबर्टी का मतलब है कि आप किसी तरह के कोई भी रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और इससे क्या हो रहा है सबकी करने का सबको सबको पूरा हक़ है, है, पूरी आज़ादी क्या पढ़ना है क्या काम करना है सबको पूरी आजादी दे दी राइट इट ड मीन लाइसेंस टू डू वट एवर वन लाइक्स आपको ना लिबर्टी दी गई है और जो लिबर्टी होती है ना उसमें ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते ही होते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको बोलने की आज़ादी दे देंगे भाई लेकिन गाली निकालने की आज़ादी थोड़ा मिल जाएगी आप जाके किसी को भी गाली निकाल दो किसी को डिफेम कर दो राइट आप इंडिया की इंटेग्रिटी यूनिटी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दो कि भारत तेरे तो हम टुकड़े कर देंगे ऐसी आज़ादी नहीं आपको मिलेगी राइट तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी इट डजेंट मीन लाइसेंस टू डू वट एवर वन लाइक्स इट इज़ एन्श्योर थ्रू फंडामेंटल राइट्स आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं एंड आपको याद क्या रखना है कि जो आपके राइट्स होते हैं ना राइट्स भी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते कि आपको बस राइट right मिल गया तो काम खत्म हुआ राइट्स राइट्स आर ऑलवेज ऑलवेज हैव ड्यूटीज और जो ड्यूटीज है यही तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्यूटीज ही आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हो तो आप एक गुड सिटीजन बन जाते हो और जो गुड सिटीजन है राइट लॉ अबाइडिंग सिटीजन उसी को तो राइट मिलते हैं अदरवाइज अगर आपने कोई भी कानून नहीं माना तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की अगर आपने ड्यूटी पूरी नहीं की तो आप एक गुड सिटीजन नहीं हो अगर आप गुड सिटीजन नहीं हो तो सरकार आपके राइट्स की गारंटी नहीं लेगी फिर आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो खत्म और आप जेल के अंदर राइट सिंपल लॉजिक्स फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का इक्वालिटी क्या है इक्वालिटी द इक्वलिटी ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी किसी के पास कोई प्रिविलेज नहीं होगा कि भाई ये बड़े घर में पैदा हुआ तो इसी को ये ऑफिस मिलेगा ये नवाब है तो इसी के बच्चे नवाब बनेंगे ऐसा काम नहीं है ठीक है इक्वालिटी है सबके पास बट इस इक्वालिटी का असली मीनिंग क्या है इक्वालिटी ऑफ ऑपरचुनिटी सबको बराबर ऑपरचुनिटी दी जाएगी आप जिस आप वो बन जाओ आपकी कैपेबिलिटी पे ये डिपेंड करता है हम आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं करने वाले राइट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर इक्वालिटी अब बात करते हैं थ्री डायमेंशन इक्वालिटी के भी थ्री डायमेंशन हो गए वो थ्री डायमेंशन क्या है सिविक आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो फंडामेंटल फोर्टीन फिफ्टीन ये हमारी सिविक या सिविल इक्वालिटी की बात करते हैं पोलिटिकल जो है यूनिवर्सल्ट्रेंचाइज एंड आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फाइव में जहां पे सबको राइट टू वोट मिला हुआ है और अगर हम इकोनॉमिक की बात करें इक्वालिटी की तो आर्टिकल 39 है डी जो कहता है कि सबको इक्वल अपॉरचुनिटीज मिलनी चाहिए राइट फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेटर्निटी का फेटर्निटी का क्या है इसका मतलब है ब्रदरहुड जो हम भारतीय लोग हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन रीजन कास्ट जेंडर इट इज वी ऑल शुड ऑलवेज ट्राइव फॉर फेटर्निटी द फीलिंग ऑफ फेटर्निटी ब्रदरहुड हम सब भारतीय हैं वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स याद है वो स्कूल टाइम में प्लेज लेते थे ऑल इंडियन आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन याद है ना वो करते होते थे देन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फेटर्निटी बाई सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हम सब भारत के नागरिक है एक ही पहचान है हम सब की दैट वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया दूसरी चीज आर्टिकल 51 ए हम सब की एक जैसी फंडामेंटल ड्यूटीज है इट इन्श्योर टू थिंग्स वन डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सब एक बराबर है सब सिटीजन ऑफ इंडिया सब में भाईचारा यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया टेरिटोरियल एज वेल एज साइकोलॉजिकल हम सब एक साथ जुड़ जाते हैं एक बन जाते हैं क्योंकि हम सब में भाईचारा है डन इसके बाद प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेके दो तीन चीजें और पूछी जा सकती हैं एक सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल तो इसका मतलब क्या है बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टेटेड इसी प्रियम्बल से हमें क्या क्या पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसफी क्या है और फंडामेंटल वैल्यूज क्या हैं जैसे कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं डिग्निटी की बात करते हैं यूनिटी की बात करते हैं ये फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज है दूसरा

इसने बताया कि हम डेमोक्रेटिक हैं हम रिपब्लिक हैं हम सॉवरन हैं और यहां पे लोगों के पास सारी पावर है कैसे बताया पहली लाइन में लिख दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पहली लाइन बोलती है वी द पीपल और लास्ट लिखती है गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन सो अल्टीमेटली मालिक कौन है वी द पीपल ये बताया इसने अब कॉम्पोनेट ऑफ पेम्बल क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया इज मैंशन इन द प्र्बल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसने ये बताई फिर इसने बताया नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हम सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी हैं फिर इसने हमारे ऑब्जेक्टिव बताए ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जस्टिस लेना है लिबर्टी इन्श्योर करनी है इक्वलिटी इंश्योर करनी है फटर्निटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इंश्योर करनी है देश की एंड लास्टली इसने हमें डेट ऑफ अडोप्शन भी बता दी 26 1949, तो दो वर्ड जो पहले मिस हुए वो एक तो हो गया सेकुलर और दूसरा हो गया डेमोक्रेटिक सेकुलर और डेमोक्रेटिक मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वाले में ही बहुत डिटेल में बता दिए थे और फिर मैंने इसीलिए अपने टाइपिस को बोला था कि इसको यहां से छोड़ देना राइट अब आती है अगली बात प्रियम्बल की इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इस पे ना पेपर में क्वेश्चन आता है

इसमें क्या बोला कि प्रियम्बल इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल हुआ प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ये आज तक सिर्फ एक ही बार फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ अमेंड हुआ है राइट right? अब एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार था फिर हमने इसको 26 जन 1950 को लागू क्यों किया वाई इट इज़ आवर डे एंड द रीज़न फॉर इट बींग आवर रिपब्लिक डे इज़ दैट 26 जनवरी 1930 हमने इंडिपेंडेंस डे मनाना था शुरू कर दिया था इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 वाज अनाउंस्ड टू बी इंडिपेंडेंस डे कब जब दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पंडित नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की थी उसी दिन उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर रहे हैं हम खुद को आजाद मानेंगे राइट right? पर ब्रिटिश ने तो हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को दी तो 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए वी वेटेड फॉर टू मंथ्स जबकि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को तैयार हो गया था 1949 में फिर भी हमने उसको इंप्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को राइट right? सो so ये हो गया हमारा पेम्बल खत्म